कैसे चलेगा अब ये, कब तक? आदत पड़ गई अब तो, क्या करें, रास्ता बदल लिया, इधर से जाते हैं। अब तो सारे दिन इसी में रहना है, तो मच्छर के हम मच्छर ही खा के मर जाते हैं हमको। क्या है ये? ये मैडम ऐसे ही 1.5 साल हो गए इसको। स्विमिंग पूल है बस, हम तो ये कहते हैं यहाँ पे केजरीवाल जी ने स्विंग बनाया है। स्कूल के बच्चों का टाइम होता है ना, जब आप देखो और उनके विचारों के रोज जूते बिकते हैं, उस टाइम देखो बच्चे कैसे टॉप पे जाते हैं, कोई गिरता है पत्ता रखे में, कोई गिरता है, कोई कैसे जाता है। देखिए हम लोग मंगोलपुरी से आ रहे थे मुंडका, मुंडका की तरफ हम लोग आए। मुंडका का जो मेन रोड है, मुंडका गांव का जो मेन रोड है, हम थोड़ा सा आगे आए और हमें सड़क की हालत कुछ इस तरीके की दिखी। मैं कैमरा पर्सन से बोलूंगी जरा दूर तक शॉट को एस्टेब्लिश करे, अच्छे से दिखाए कि जो सड़क की हालत है, इस पूरी सड़क पर नाले का पानी, इस वक्त आप देख सकते हैं पूरी सड़क नाले के पानी से घिरी हुई है। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि मुंडका गांव में मैं आई, मेन रोड जो है, मैं मुश्किल से 150 मीटर यहां पर आई और मैं खड़ी हुई, मैंने देखा कि आगे तो और भी ज़्यादा गंभीर स्थिति है। जो वो पानी का लेवल जो था वो तो और ज़्यादा था, आगे और ज़्यादा है। लोगों से बातचीत हम लोग करेंगे इस वक्त और लोगों से जानेंगे कि आखिर ये जो समस्या है ये कब से है, लोग इस परेशानी से कैसे जूझ रहे हैं और इस समस्या को कहाँ तक लेके गए हैं। बीजेपी के सांसद हैं यहाँ पे हंसराज हंस, 5 साल में उन्होंने क्या किया है, विकास कहाँ तक पहुँचा है, क्या स्थिति तब भी वही थी अब भी यही है और कुछ सुधार होना है या नहीं होना है, लोगों से बातचीत करते हैं। चलिए, क्या है ये? ये मैडम ऐसे ही 1.5 साल हो गया इसको। 1.5 साल हो गए? हाँ जी। स्कूल के बच्चे ऐसे जाते हैं पानी में जाते हैं, मच्छर गंदगी बीमारी सब कुछ है इससे पनप रहा, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ की। मुझे ना एक्चुअल में समझ आ भी नहीं रहा कि मैं आपसे पूछूं क्या। तो ये 1.5 साल से इतनी गंदगी है, मच्छर पानी, बच्चे बीमार होते हुए, घर वाले बीमार होते होंगे, ऐसे ही रह रहे हैं क्या? ऐसे रह रहे क्या करें, कहाँ जाएं, घर छोड़ के कहाँ जाइए बताओ ना, अपना घर छोड़ के कहाँ जाएगा इंसान। आप क्या करते हैं यहाँ पर? मैं तो, मेरी तो शॉप है यहाँ पे। अच्छा, आपकी यही वाली दुकान है? अच्छा, ना कस्टमर है ना कुछ है, 1.5 साल हो गए बस चल रहा है। क्या ये किस चीज का पानी है, कहाँ से? नाले का पानी है सारा। नाले का पानी पूरी रोड पर कहाँ से आ रहा है? नाला ही भरा हुआ, ये नाला फुल है, ये नाला फुल है, आगे तक पूरा मेन रोड तो फुल है, जहाँ तक जाओ आप। ये क्या मेन रोड पे, अभी इस टाइम आप जाओ मेन रोड पे, यहाँ का पानी मेन रोड पे लगा हुआ है, यहाँ का रोड पानी जो यहाँ का पानी है मेन रोड पे लगा हुआ है मैडम, इतना बुरा हाल है यहाँ पे। अभी आप तो इस टाइम आए हो, गलत टाइम आए हो, आप आओ 12:30 बजे जब इस, हाँ, स्कूल के बच्चों का टाइम होता है ना, जब आप देखो उनके विचारों के रोज जूते बिकते हैं, उस टाइम देखो बच्चे कैसे टॉप पे जाते हैं, कोई गिरता है पत्थर रखे में, कोई गिरता है, कोई कैसे जाता है। सांसद कभी आए नहीं, देखा है आपने? कोई नहीं आया जी, सांसद सांसद कोई नहीं आया, हमने तो कभी नहीं देखा। तो कितने समय से है समस्या? 1.5 साल। 1.5 साल हो गया, 1.5 साल। अंकल जी भी आए हैं। अंकल जी क्या है ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये पोल्यूशन नहीं उड़ रहा बस यहाँ पे, ये धूल नहीं उड़ती है, इससे फायदा है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है दिल्ली सरकार। और ये रोड को ऊंचा उठा देते हैं तो लोगों को दिक्कत होती है, अब ये पानी भरा हुआ है इससे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, ये धूल नहीं उड़ती, पोल्यूशन नहीं हो रहा, सारा पोल्यूशन ख़त्म है। अब ये नाले की सफाई तो करवाते नहीं है ऊपर, आगे नाले की सफाई करवाएं तो ये समस्या हल हो जाएगी, पानी चला जाएगा, लेकिन नाले की सफाई नहीं करवाएंगे। ये रोड को ऊंचा उठाएंगे, गलियों को उठाएंगे, नालियों को उठाएंगे, मलबा भरेंगे, लोगों के दरवाजे को नीचे दबा देंगे, लोग दरवाज़ा दबने के बाद फिर दोबारा से बनाते हैं मकान, पूरी ज़िंदगी कमाई लगा देते हैं फिर दोबारा कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। भैया मुझे ये बताइए, दिल्ली में समस्या है ये, यहाँ नहीं है, ये मैंने सबसे भारी यहीं पे देखी है। हाँ, ये तो वेस्ट में तो सारा ही है, यहाँ तो सारा ही है। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मुंडका मेट्रो स्टेशन पे जो बूथ लगा हुआ है उसको वहाँ से हटा दिया जाए,
पानी अपने आप निकल जाएगा। वहाँ बूस्टर लगा हुआ है, वो रुकावट है, चलता नहीं, वो पानी नहीं निकालते हुए। दीवार बनाई हुई है वहाँ पे, नाले में पानी रोक रखा है, वो पानी पानी जाता नहीं ना, वो चलाते। अगर वो बूस्टर वहां से हट जाएगा तो समस्या का समाधान हो जाना है अपने आप ही। ये तो जानबूझ के बनाई हुई समस्या, जानबूझ के बनाई। हाँ, ये कोई समस्या, कभी कोई सांसद आए नहीं यहाँ पे? हंसराज हंस है सांसद यहाँ पर, हाँ देखा है, कभी आते हो उनको? आते हैं, कितनी बार देखा है? आए हैं 3-4 बार आए। दादा भैरव पे माथा टेकने आए थे एक बार, दादा भैरव मंदिर है गाँव का, वहाँ पे माथा टेकने आए थे, बस हमने सुना था, देखे नहीं हमने, हमने सुना। काम विकास क्या हुआ है ये बताइए भैया, एक मिनट नीचे आ जाइए प्लीज भैया, 2 मिनट के लिए आ जाइए। 1.5 साल से आप मुझे ये समस्या बता रहे हैं, ठीक है, ज्यादा हो गया है, इधर आइए आप भी जी। 1.5 साल से आप मुझे ये समस्या बता रहे हैं, 5 साल हंसराज हंस के कार्यकाल को हो गए हैं, हालांकि बीजेपी ने टिकट काट दिया है, क्या विकास हुआ है फिर यहाँ? विकास तो कुछ नहीं हुआ जी, ये पुल बनाया केजरीवाल जी ने हमारे यहाँ पे, स्विमिंग पुल है बस, हम तो ये कहते हैं यहाँ पे केजरीवाल जी ने स्विमिंग बनाया। दिल्ली में MCDB से बच्चे बीमार हो रहे हैं, मैं तो वो आप, मैंने तो आपको पहले बताया, आप आओ 12:30 बजे, 12:30 बजे आओ और 1-1.5 बजे तक यहाँ रहो, आपको अपने आप पता चल जाएगा, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है आपको, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लोगे ना, जब पता चल जाएगा सारी समस्या वो बताएंगे आपको, हम क्या बताए, सुनवाई है इसकी या नहीं है? मैडम क्या सुनवाई है, 3 साल तो हमको हो गए देखते देखते, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कुछ कोई आता ही नहीं यहाँ पर, हम तो लेबर आदमी बाहर से आते हैं, हम तो काम करने, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। ये रोज पानियों में आते हैं मैडम, हम भी आते हैं, हम भी रोज यहाँ पानियों में ही आते हैं, आपने देखा होगा, आप मेन रोड से आए हो, मेन रोड से आए हो ना, आप आगे तक चले जाओ, सैनी धर्मशाला तक चले जाओ, वहाँ तक यही हाल है, सिर्फ इतना ही है मेन रोड से सैनी धर्मशाला तक। विकास मतलब कुछ नहीं, नहीं कोई विकास, विकास के नाम पे क्या हुआ है? विकास का नाम केजरीवाल बताएगा जी क्या हुआ है यहाँ पे, बीजेपी के सांसद भी हैं यहाँ पर, सांसद बीजेपी के, MCD यहाँ पे, MCD भी बीजेपी की है, अच्छा MCD भी बीजेपी की है, मैं और बताओ, यही रहते हैं जी? कहाँ? ये दुकान है जी मेरी सामने, हाँ जी। इस माहौल में रहते हैं? अब इसी में रहना पड़ रहा है, किराए फ्री में जा रहा है हमारा, किराए पे है ना दुकान। दिक्कत परेशानी फिर हो रही है, नहीं हो रही इससे? दिक्कत पूरी परेशानी है कि यहाँ कोई दुकानदारी नहीं बैठे हैं आराम से कुर्सी डाल के, दिक्कत तो है ही है, और क्या दिक्कत है। इस दिक्कत से कब से जूझ रहे हैं? इसको 1.5 साल हो गई। कहाँ तक समस्या लेके गए हैं? और समस्या लेते लेते हम तो कहाँ जाएं, बाहर के आदमी, ये लोकल वाले परेशान हो रहे हैं समस्या करते करते। तो ये बताइए सांसद को कब कितनी बार देखा है आपने? सांसद तो हम तो यहाँ देखते ही नहीं, कभी आते जाते हैं। कौन है? धर्मपाल है। सांसद की बारे में बात कर रही हूँ, हंसराज हंस के। हंसराज तो किसी ने देखा ही नहीं कभी, मुंडके में आया या नहीं आया। अच्छा, हाँ जी, पता है ना उनका लोकसभा क्षेत्र ही है। और क्या, जबकि मेरी वो सेम पार्टी से मैं बीजेपी थी हूँ, वो भी बीजेपी थी, मगर गलत तो गलत ही है। बीजेपी विकास करवा रही नहीं करवा रही? बीजेपी जो और करवा रहे हैं, जब बीजेपी वाला है तो यहाँ आता क्यों नहीं? जो बात है वो कभी नहीं देखा यहाँ आते हुए। क्या लग रहा है मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे अब की बार? मोदी तो प्रधानमंत्री बनेंगे ही बनेंगे। ऐसे तो ये तो दलाल बीच में बैठे हैं ना खाने वाले, मोदी जी थोड़ी देखने आ रहे हैं यहाँ। अच्छा, चलिए कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं। और ये ऐसे में ही रहते हैं? आदत पड़ेगी अब तो। सांसद को कितनी बार देखा है यहाँ पर? सांसद को एक बार भी नहीं देखा इधर। कौन है ये पता है? हंसराज हंस है, नाम सुना। गायक है पेशे से? ये नहीं पता क्या है गायक। तो ये समस्या जो है कभी आए नहीं, चुनावी प्रचार के लिए आए हो, कभी समस्याएं सुनने आए हो, कभी नहीं आए? नहीं कभी नहीं आए। कभी नहीं आए, तो कैसे चलेगा अब ये, कब तक? आदत पड़ गई अब तो, क्या करें, रास्ता बदल लिया, इधर से जाते हैं। और इससे तो बहुत बीमारी भी फैल रही होगी। हाँ मच्छर भी है इसमें। अरे क्या क्या बोल रहे हैं? जो मच्छर थे ना पहले, मच्छरों में झर था, मच्छरों ने खा खा के इंसानों में झर ज्यादा कर दिया, अब से आदत पड़ गई। अब तो सारे दिन इसी में रहना है, तो मच्छर के हम मच्छर ही खा के मर जाते हैं हमको। और देखिए मुस्कुराहट, पता नहीं मुस्कुराहट की वजह क्या है? मुस्कुराहट की वजह, मुस्कुराहट के अंदर क्या छुपा है आपके? हमारे कुछ नहीं छुपा है, ये देख तो रहे हैं,
ये तो बांस कल गाड़ दिया, आप देखो तो इसमें कितने डूबते जनवर में 20 आदमी। कल मोटरसाइकिल भी बल्लियों से निकाली है, इसमें से 30 फुट से गहरा खड्डा है ये। अच्छा, इसके अलावा और क्या समस्या है इलाके में? और क्या समस्या, हमें तो बाहर के आदमी के लिए तो समस्या रोड ठीक होना चाहिए, तो हमारी दुकानदारी चले। बिजली पानी तो सब ठीक है। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री? बनेंगे, वो तो बनेंगे। इतनी समस्या से ये लोग जूझ रहे हैं, और जब भी मोदी जी का जिक्र आ रहा है ना, ये लोग ऐसे मुस्कुरा रहे हैं। मोदी तो बनेंगे प्रधानमंत्री। क्या काम कर रहे हैं ऐसा मोदी जी? मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब बाहर देखो, बाहर के स्तर पे अब जीरो लेवल ग्राउंड पे भी काम हो जाएगा, धीरे धीरे होएगा, एकदम तो नहीं होएगा, लेकिन अब ये रोड पास हो गया है, मतलब बन जाएगा और 2-4 महीने में बन जाएगा। क्या मतलब यहाँ से बीरागढ़ी पार होने के बाद हम यहाँ से लेके यूपी तक, हम यूपी के रहने वाले, मथुरा में, वृंदावन में, अलीगढ़ में, बुलंदशहर में, खुर्जा में, फिरोजाबाद, आगरा, BIP चमन हो रहा है। योगी जी और मोदी जी खूब बढ़िया कर रहे हैं और आएंगे। दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा, केजरीवाल है इसलिए? दिल्ली में केजरीवाल असली है, और केजरीवाल के जितने कैंडिडेट हैं वो असली हैं। अच्छा, हाँ जी। आ रहे थे तो यहीं है सोन पार्क में। आते कैसे हैं यहाँ से रेडी लेकर? अब रेडी तो अपने गली में खड़ी कर देते हैं और पैदल चल के आते हैं, पानी में हेल के, और क्या पानी ही पानी है इधर, ये हमारे रोड पे पानी है, ये नाला है। हाँ, नाला ही समझ लो, चाहे नहर है, ये तालाब बन गया, ये तो पूरा नहर निकल गई। हाँ, इस नहर से क्या क्या दिक्कतें आपको लग रही हैं? अरे हमारी तो यहाँ से बहुत दिक्कत है। एक तो यहाँ से कोई बंदा आना जाना चाहता ही नहीं है कि यहाँ से निकले आए जाएं। दुकानदारी भी जो है पूरी ख़त्म है, इधर उधर से बंदे निकल के अपनी अपनी जगह पहुँच जाते हैं, इधर तो सब लोग परेशान ही हैं। और क्या समस्या है यहाँ पे? हंसराज हंस को देखा है, सांसद है यहाँ के? यहाँ से तो हंसराज हंस तो कभी देखा नहीं, एक दो बार चुनाव में जब देखा था आए थे, जब इसके बाद तो कभी आए नहीं हमने। क्या करने आए थे? वोट मांगने? अब वोट मांगने आएंगे तो फिर उनको बताएंगे कि एक वोट आपने किया क्या है, अगर कुछ करते तो वो आते हमारे यहाँ वोट मांगने के लिए, अब जब किया ही नहीं है तो क्या किस ढंग से आएंगे वोट मांगने के लिए। ठीक है ना जी, क्या लगता है कुछ हो पाएगा इसका समाधान? इसका सोल्यूशन तो सरकार ही निकालेगी, हम लोगों के बस का थोड़ी है। सरकार कैसा काम कर रही है बताइए, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं आपके लिए? अब मोदी जी तो हमारे लिए, हम तो भाई छोटे तबके के आदमी, हमने तो मोदी जी का अभी तक कोई लाभ नहीं लिया है, राशन से लगा के कोई लाभ नहीं मिला। फ्री राशन नहीं मिल रहा आपको? नहीं मिला। राशन कार्ड को अप्लाई करे हमें 2 साल हो गए मेरे गाँव में, आज तक वो पास ही नहीं हुआ, खाद्य विभाग से पास ही नहीं हुआ, खाद्य विभाग में अटका पड़ा है। क्या लग रहा है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी? हाँ, फिर भी बनेंगे उनका। हाँ हाँ, ये किस आधार पे जाएंगे वोट डालने? वोट डालने जाएंगे क्योंकि हमारे देश में कोई ऐसा नेता नहीं है तगड़ा, इसलिए मान के चलो वोट तो दे ही देंगे। राहुल गांधी है? राहुल गांधी को अब क्या बताएं, अब उनकी बात है तो ठीक ठाक नेता, लेकिन उतने बढ़िया काबिलियत नहीं है उनके अंदर। खैर, लोग क्या करेंगे, नाला बना हुआ है पीछे, नाला तो सारा टूटा ही पड़ा, आपको दिख ही रहा था। ये बताइए मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी तो ठीक ही कर रहे हैं, बाकी जो कर्मचारी हैं वो काम सही है। क्या गलत हुआ है? गलत तो आपको दिख रहा है, सारे रोड पे बन गए। सही क्या हुआ है ये बताइए, मोदी जी ने ऐसा क्या करा है विकास का? मोदी जी ने कर दिया, जब ही तो नाम ले रहे हैं लोग। क्या करा है ये तो बताइए, एक आधा काम तो गिन में ही कम से कम। लोगों को बाहर देखो, बाहर विदेशों में काम करा, देश में काम हो रहा है, देश में हो या ना उससे फर्क नहीं पड़ता क्या? और करने के लिए है ना, और बंदे कर रहे हैं जिनको दे रहा। मोदी जी बाहर के हैं तो यहाँ पे क्यों चुन रही है जनता देश के लिए? तो बाहर ही तो काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो बंदे जो और कर सकते हैं। मोदी जी बाहर काम कर सकते हैं, बाहर विदेशों में काम कर सके और कहाँ करें। मोदी जी को देश के लिए चुना है, विदेश के लिए चुना? देश के लिए तो चुना है, लेकिन और भी तो, और आदमियों के लिए भी तो काम है ये करने के लिए, सारे काम वही थोड़ी ना करेंगे। यही रहते हैं हम आप? हाँ जी, हाँ जी। कितने साल से रह रहे हैं? बचपन से, हमारी तो पैदाइशी यहीं की है। क्या बदलाव आया है यहाँ पे, कुछ बदलाव हुआ है, विकास वगैरह कुछ हुआ है? विकास बढ़िया, विकास हो रहा है जी। क्या क्या चीजें बदली हैं? बढ़िया रोड बन गए हमारे, पानी आ गया, मीठा पानी, और लाइट लूट की तो है सुविधा पहले से ही यहाँ तो। तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? मोदी भी अच्छा काम कर रहे हैं, वैसे मोदी क्यों गलत काम करेगा जी। BJP के सांसद यहाँ पे हंसराज, वो कैसा काम कर रहे हैं? हंसराज वगैरह ने तो जी कुछ नहीं किया है यहाँ, वैसे नजर ही नहीं आया वो तो। हाँ, कभी नहीं देखा आपने? हमने तो जी एक दो बार वहाँ
रागनी रुगनी हमने देखा टीगरी एक बार आया था, उसके बाद तो नहीं हमने देखा उसको आज तक। कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, मैं कह रहा था हंसराज जी कभी नजर नहीं आए, और ये जो काम विकास कर रहा है केजरीवाल ने कर रहा है, आम आदमी पार्टी के एमएलए ने, बीजेपी ने मतलब कुछ नहीं नहीं है, क्या कर रहा है? ये तो लोकल एमएलए हैं धर्मपाल, उन्होंने किया है। सारे गांव में आप जाएंगे, पहले रोडों की बड़ी बुरी हालत थी यहाँ पर कई सालों से, नाला है बाहर देख कर आई हूँ, आपने देखा है तो गांव के अंदर उससे भी बुरा हाल, आप जहाँ खड़े यहाँ से निकलने का रास्ता भी खराब था, तो ये सारा रोड अब बनाया, आप अंदर भी जाएंगे देखने दूसरे एरिया में तो सारे रोड बढ़िया बनाए। तो मतलब कह सकते हैं बीजेपी ने कुछ नहीं करा, हंसराज ने कुछ नहीं करा पिछले 5 साल में, कुछ भी नजर ही नहीं आए, विकास तो जब करेंगे जब नजर आएंगे। हंसराज तो आए नहीं कभी गाँव में, वो नहीं आए। क्या लगता है फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री जब बीजेपी ने कोई विकास ही नहीं किया? नहीं, वो कैसे बनेंगे, हम तो वोट नहीं देंगे उसको, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, हाँ, राहुल गांधी मतलब टक्कर देंगे? राहुल गांधी टक्कर क्यों नहीं देगा, देगा। इंडिया अलायंस है, राहुल गांधी का इंडिया अलायंस है वो। अच्छा, इंडिया अलायंस में कौन सा एक चेहरा है जो पीएम उम्मीदवार के तौर पर मोदी को टक्कर देगा? ऐसा मैडम, इंडिया अलायंस ही डिसाइड करेगा, वो लोग ही डिसाइड करेंगे, मोदी को थोड़ी टक्कर दे रहा है कोई, या मोदी भी जब पहले 2014 में मोदी के नाम से थोड़ी आए थे लोग, ठीक है, इंडिया अलायंस है वो, तो जीतने के बाद वो लोग किसको डिसाइड करेंगे वो तो उनके ऊपर है। संसद के बड़े बड़े काम तो होते हैं, जनता की बात सुनना, आवाज सुनना, समस्याएं सुनना। दरअसल यहाँ जो बने हुए आए नहीं इलाके में, इसीलिए उनका टिकट भी कटा, यहाँ हंसराज हंस हमारे नहीं रहे। सही कटा है, गलत कटा है? ठीक कटा, पब्लिक से जो नहीं जुड़ेगा ठीक है, उसका ठीक रिजल्ट। हाँ, संसद का ये काम तो है ना कि पब्लिक से जुड़े। हाँ, जुड़े, उनकी समस्याएं सुने लोकल स्तर। क्या आके भी नहीं देखा कभी, मैं एक बार बनने के बाद फिर आके भी नहीं देखा कभी, राउंड भी नहीं लिया उन्होंने। क्या लग रहा है फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे देश अब दोबारा तीसरी बार? जी तो क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, बनेंगे बनेंगे बनेंगे। किस आधार पे बनेंगे? राम मंदिर बन गया, इस आधार पे बनेंगे? बिल्कुल इसी आधार पर बनेंगे, हाँ, अच्छे काम किए हैं, अच्छा कार्यकाल है। हाँ जी, बहुत बड़े काम है, आर्टिकल 370 ठीक है, हाँ, राम मंदिर ठीक है, और 3 लाख, हाँ, क्या नहीं हुआ ये बताओ, हुआ क्या नहीं? पीओके को छोड़कर क्या नहीं हुआ? पीओके कब होगा वो नेक्स्ट उसमें? हाँ, और बोलो। अच्छा काम है। अच्छा ये बताइए, पीएम उम्मीदवार के तौर पे कोई नया चेहरा आप देखते हैं, राहुल गांधी को देखते हैं? नहीं, ये तो पब्लिक का डिसीजन है, ये मेरा अपना नहीं हो, राय नहीं हो सकता, पब्लिक है, जनता है, पब्लिक औरों का भी राय है सबका। आप बताइए, राहुल गांधी बन सकते हैं क्या प्रधानमंत्री? भाई बन भी सकते हैं, क्या कहते हैं, जनता के ऊपर बात है, पब्लिक के ऊपर बात है जी, क्यों भाई? अब क्या 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 ख्याल है सरकार के? अच्छा ये बताइए, केजरीवाल का काम कैसा? अभी जेल में है? जेल में रहने दो उसको, क्यों? मैं क्या कहूँ, सभी कहे, सारे बोलते हैं ये बात। जेल में मतलब शराब घोटाले मामले में वो गए हैं, सही गए हैं? ये तो अब सबूत सामने आएंगे तो ही होगा ना बात। सरकार जेल से ही चला रहे हैं? चलाओ, अगर है इतनी ये जो काबिलियत है या हमारे ये इसमें है संविधान में है तो ठीक है, चलाओ। सांसद को देखा है? नहीं देखा। कौन है जानते हैं? नहीं जानते। गायक है? पता है नहीं। हंसराज हंस, हंसराज हंस बता, हमारे को पर आया नहीं तो हम क्या जाने इसको, मानते हो आप? आज तक आए नहीं तो क्या फायदा उस चीज का, कभी जुड़े नहीं, मिले नहीं किसी को, कभी आए नहीं, क्या फायदा उस चीज का? आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया था, क्या बोले थे? मैंने कहा था सिर्फ पोस्टर में देखा है हमने, हाँ। वैसे रियल में नहीं देखा, कभी इस इलाके के अंदर आए हों, सांसद बनने से पहले या बनने के बाद कभी वोट मांगने ही आए हों? नहीं आए। एक पार्टी के आधार के ऊपर वोट मिली है उनको, बीजेपी के आधार के ऊपर, पीएम के चेहरे नाम से, हम मोदी के चेहरे पे, और आगे भी मोदी के चेहरे पे ही वोट मिलेगी लगता है। मतलब योगेंद्र चंदोलिया आपकी बार टिकट दिया गया उनको? कोई नहीं जानता उनको, लेकिन मोदी जी को जानते हैं, मोदी जी को जानते हैं तो दे देंगे वोट, उनके मोदी जी के नाम पे वोट जाएगी। तो आप भरोसा कर पाएंगे फिर कि काम होगा या नहीं होगा? नहीं, ये तो वो समय बताएगा। पीएम के चेहरे के ऊपर आप किसी कैंडिडेट को वोट देंगे तो भरोसा कर पाएंगे ऐसे कैंडिडेट पर जो जिसके बारे में आप जानते ना? जानते नहीं है, लेकिन मोदी जी काम करवाएंगे ना, जो हुक्म कर देंगे उनको तो वो करके देंगे, कमांड तो उनकी है ना, उसको टिकट काट देंगे उसकी।
अगली बार काट देंगे उसकी टिकट भी, जैसे हंसराज हंसकी काट। बिल्कुल बिल्कुल कट जाएगी। चलिए ठीक है, देखिए मुंडका गांव का जो मेन रोड है उसकी हालत कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। हम लोग आए अंदर, हमने लोगों से बातचीत की और उनसे पूछा कि आखिर ये समस्या कब से है और समाधान अब क्या है। उन्होंने बातचीत में बहुत कुछ बताया है हमें कि वो परेशान है, बच्चे सुबह सुबह स्कूल आते हैं और जब छुट्टी होती है तो वो अपने पूरे शूज़ भिगा कर, अपने पैर भिगा कर घर जाते हैं। अगल बगल इतनी दुकानें हैं, बीच में रोड है, बाजू में सड़क के किनारे इतनी तमाम दुकानें हैं, दुकानों का काम भी एक तरीके से ठप नज़र आ रहा है। क्योंकि इस रोड पे कोई आए तो आए कैसे सामान खरीदने, साइड में जगह है नहीं, बीच में इतनी हालत गंभीर है कि कोई आ ही नहीं सकता। देखिए ये देखिए, आप देख ही रहे होंगे कि टेम्पो आ रहा है, ट्रक आ रहा है, वो किस हालत में आ रहा है। तो लोगों के आने की तो दूर की बात है, अगर वो किनारे से निकल कर आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट कोई काम है तब आ रहे हैं। और आगे बातचीत में ये भी पता लगा कि आगे कोई स्कूल है, बच्चे सुबह इसी तरीके से पैर रख के बीच में जाते हैं। बीजेपी के सांसद हैं यहाँ पे हंसराज हंस, हालांकि बीजेपी ने अब की बार उनका टिकट काट दिया है और योगेंद्र चंदोलिया को टिकट दिया है। साथ ही कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है उदित राज को। लेकिन इस स्थिति को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, इस पर क्या काम हो, सरकार ज़रा थोड़ा इधर भी ध्यान दे क्योंकि स्थिति काफ़ी गंभीर है। यहाँ पर सैकड़ों बीमारियाँ इस वक्त पनप रही हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं, ये स्थिति बेहद गंभीर है इस वक्त यहाँ पर। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस समस्या के बारे में और क्या सोचते हैं सरकार के काम को लेकर, सरकार के विकास को लेकर। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।